नमस्कार दोस्तों, मैं के आप लोग शाह। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप गाइज आप लोग बढ़िया हो गए। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ बोया MM1 माइक। आज मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग करूँगा बोया MM1 माइक। तो फाइनली ये मेरा घर आ चुका है गाइज, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइज, ये मैं ऑर्डर किया था 2 दिन पहले और ये 3रा दिन मेरे हाथों में है। तो चलिए अब इसे कट किया जाए। और गाइज, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए Tech20T को सब्सक्राइब, और भी ऐसे टेक वीडियोज़ के लिए और अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब कट करते हैं। और आप देख सकते हो मेरे हाथ में सीजर आ चुका है और यहाँ से मैं कट करने वाला हूँ गाइज आप लोगों के सामने। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली कट हो चुका है। अब यहाँ पर सीजर का कोई काम नहीं, इसे रख देते हैं साइड में। और देखिए, कुछ इस तरह का इसका पैकिंग है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये माइक है। और गाइज, इसमें कुछ है नहीं, इसे कर देते हैं साइड। और यहाँ पर दिया गया है एक बिल, जो कि आप देख सकते हो मेरे कैमरे पर, ऐसे भी कर देते हैं साइड में। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो बोया MM1 यूनिवर्सल कार्डियोड माइक्रोफोन। तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कॉम्पैटिबल विथ मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, DSLR एंड कैमरा। और देखिए, साइड में कुछ इस तरह का है बोया MM1। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स इसके फीचर्स पर। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कॉम्पैटिबल विथ स्मार्टफोन्स, टैबलेट, DSLR कैमराज, कंज्यूमर कैमकॉर्डर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स एंड एक्सेट्रा। कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट डायरेक्शनल माइक, रज्ड मेटल कंस्ट्रक्शन, नो बैटरी रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल फ्यूरी, विंडशील्ड इंक्लूडेड। और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा स्पेसिफिकेशन, पोलर पैटर्न है गाइस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, और सेंसिटिविटी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, प्लग यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3.5 mm TRS एंड TRRS कनेक्टर, और डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हो नेट वेट 86 ग्राम का है। तो फ्रेंड्स, अब इसे ओपन किया जाए। देखिए कुछ इस तरह से ये पैकिंग है, और मैं यहाँ पर इसका ओपन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। और इसका आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिलेगा अब। और फ्रेंड्स, ये डब्बे के अंदर कुछ नहीं है, अब इसे कर देते हैं साइड। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको बोया का यहाँ पर 2 स्टिकर, आप यहाँ पर निकाल कर यहाँ से कहीं भी ये स्टिक कर सकते हो। और आपको एक मिल जाएगा यहाँ पर वारंटी कार्ड, यहाँ पर देख सकते हो वारंटी पॉलिसी, दिस वारंटी डज नॉट कवर वगैरह वगैरह है यहाँ पर, देखिए इसे भी कर देते हैं गाइस साइड में। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बोया MM1 का गाइड, यहाँ पर देखिए मैनुअल बताया गया है किस तरह से इसे यूज करना है, और इसका फीचर्स स्पेसिफिकेशन जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो इसके पार्ट वगैरह का यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, और डिफरेंस क्या है ये TRRS में और TRS में। ये देख सकते हो गाइस 3.5 mm TRRS कनेक्टर फॉर स्मार्टफोन और टैबलेट एंड मैक। बस गाइस, ये आपका स्मार्टफोन में और टैब में और मैक में सपोर्ट करेगा TRRS कनेक्टर। और यहाँ पर एक और है 3.5 mm का TRS कनेक्टर, ये है कैमरा के लिए, कैमकॉर्डर्स के लिए, ऑडियो रिकॉर्डर्स के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस के लिए है। आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा TRS में और TRRS में। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कैसे इसे यूज करना है और कैसे नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे कर देता हूँ साइड। तो फाइनली गाइस, ये आपका रहा माइक। देखिए कुछ इस तरह से इसका पैकिंग है, ये कुछ अलग ही लग रहा है मुझे, ये अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। ये फेदर है जो कि गाइस ये निकल भी रहा है, मेरे हाथों में आ रहा है इसका फेदर, जो कि गाइस ये देख सकते हो ये इसका फेदर मेरे हाथों में आ रहा है, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे साइड कर देते हैं। तो ये गाइस इसमें इनबिल्ट है, आप इसे चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो माइक को कुछ इस तरह से। देखिए ये नॉर्मल ऐसे है, इसमें आप माइक लगा भी सकते हो, इसे साइड भी कर सकते हो। और ये रहा गाइस आपका माइक, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपको बोया MM1। देखिए यहाँ पर कैसा इसका मतलब लगाया हुआ है शील्ड, और साइड साइड में ये वगैरह यहाँ पर आपको जगह दिया हुआ है माइक के लिए। तो गाइज इसका देखिए पीछे लगता है 3.5 mm का जैक, इसे अब कर देते हैं साइड। और देखिए ये रहा इसका स्टैंड फ्रेंड्स, ये पूरा फुल फाइबर है, आपको ये फाइबर बॉडी में मिल जाएगा देखने के लिए। और ये रहा आपका 2 केबल, एक TRRS केबल है और एक TRS केबल है, ये आपका TRS केबल है, ये आपका TRRS केबल है। यहाँ पर देखिए साइन बनाया हुआ है, इसे सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन में यूज कर सकते हो और टैब में यूज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर दिया गया है एक सिलिका जेल,
इसे भी कर देते हैं साइड। और गाइज आपको यहाँ पर फाइनली मिल जाएगा एक बोया का पैकेट, जिसमें आप ये माइक्रोफोन स्टोर कर सकते हो, इसे रख कर ट्रैवल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये गाइज मेरे ख्याल से ये लेदर लग रहा है मुझे, या फैब्रिक वगैरह होगा, इसे भी कर देते हैं साइड। और एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, बोया क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, और इसे भी कर देते हैं साइड। अब इसमें से कोई काम नहीं है गाइज, इसे रख देते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, कर लीजिएगा टेक20T को सब्सक्राइब और भी ऐसे टेक वीडियोज के लिए। तो गाइज ये मैं बोया MM1 का रिव्यू लेकर आऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में, जस्ट लाइक मैं इसका आपका माइक चेक करके आपको बताऊंगा पहले कैसे होता है आवाज़, और ये माइक यूज करने से आपका आवाज़ में चेंजिंग क्या आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ आपका बोया MM1 का अनबॉक्सिंग वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर से ज़रूर। अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और गाइज आप अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद वंदे मातरम।